आज दिन लगभग 12:30 से 1 के बीच में एक सूचना के आधार पे जब कुछ लोगों को इंटरसेप्ट किया गया तो उस दौरान दोनों तरफ से गोलियां चली और उस पुलिस ऑपरेशन में हमारी एसटीएफ की टीम थी तथा उस मुठभेड़ में 24/2/2023 को जो दो अभियुक्त जिनको आपराधिक कृत करते हुए सबने देखा है मुठभेड़ में घायल हुए तथा बाद में उनकी मृत्यु हो गई, जिनकी पहचान असद पुत्र अतीक अहमद तथा गुलाम पुत्र मकसूदन के रूप में हुई। इस पूरे ऑपरेशन को हमारे एसटीएफ की टीम ने किया है। अभियुक्तों के पास से अत्याधुनिक विदेशी हथियार, क्रमशः ब्रिटिश बुलडॉग रिवॉल्वर 455 बोर तथा वाल्थर P88 पिस्टल 7.62 बोर बरामद की गई है। हमारी टीम में जो लोग शामिल रहे हैं उस टीम का नेतृत्व डिप्टी एसपी नवेंदु कुमार तथा डिप्टी एसपी विमल कुमार सिंह ने किया है। इसके अतिरिक्त उस टीम में दो निरीक्षक, एक उप निरीक्षक, 4 मुख्य आरक्षी, 5 मुख्य आरक्षी तथा 2 कमांडो भी शामिल रहे हैं। इन कर्मियों का नाम हम प्रेस विज्ञप्ति के रूप में अभी आपको जारी करेंगे और आगे भी अपराध और अपराधियों के प्रति जो नीति शासन के निर्देश हैं, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश की जो को निर्देश हैं, उसका अनुपालन हमारी जो एसटीएफ है, एटीएस है तथा सिविल पुलिस है, वो इनके उन्मूलन और सफाई में आगे भी कार्य करेगी। समय समय पे जो भी उपलब्धियां होंगी वो आप सभी साथियों के साथ हम शेयर करेंगे और मैं व्यक्तिगत रूप से हमारे एसटीएफ के जो साथी हैं जिन्होंने इतने कठिन परिस्थिति में और इतने प्रतिकूल परिस्थितियों में जो एक अच्छे ऑपरेशन को अंजाम दिया है वो सभी बधाई के पात्र हैं और इस संबंध में पुलिस महानिदेशक और शासन स्तर से इस मुठभेड़ में शामिल सभी व्यक्तियों को विशेष रूप से धन्यवाद दिया गया है, उनकी प्रशंसा की गई है और ये अपेक्षा की गई है कि इसी तरीके से आगे और भी जो अपराध और अपराधियों के प्रति हमारी अभियान में सभी हमारे बहादुर साथियों का साथ रहेगा। धन्यवाद। जब उस तरह की चीजें आएंगी तो अभी से चीजें पहले से लोग प्रकार इसको प्रचारित प्रसारित करते रहते हैं, मुझे नहीं लगता कि इसमें अभी कोई सत्यता है, लेकिन अगले क्षण अगर कुछ चीजें हो जाएंगी तो हम आपको